गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी देवताओं को, देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है। देखिए, इस संसार में दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेय मार्ग है। श्रेय मार्ग भगवान की तरफ जाता है और प्रेय मार्ग, प्रिय लगने वाला मार्ग, संसार की तरफ जाता है। स्वाभाविक जो मन को प्रिय लगता है वो प्रेय मार्ग है और वो संसारी मार्ग है, संसार की तरफ जाता है। श्रेय मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है, भगवान का मार्ग है, भगवान की तरफ जाता है। हमको किधर जाना है ये हमको डिसाइड करना होता है, हमको निश्चय करना होता है, निश्चित करना होता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य महान है, भगवान है, मुझे भगवान की तरफ चलना है, हम भगवान के बच्चे हैं। देखिए, एक उदाहरण चला था, जैसे एक बूंद पानी, एक चम्मच का पानी, एक कुल्हड़ का, सकोरे का, गिलास का पानी, एक बाल्टी का, मग्गे का पानी, एक बाल्टी का पानी, फिर एक बड़ा सा टब, एक बड़ा सा पोखर, बड़ी सी झील, बड़ी सी नदी, समुद्र, सबका पानी अलग अलग दिखता है, कलर भी अलग दिखता है, कोई मटमैला, कोई ब्लूइश, कोई ग्रीनिश, कोई ग्रेइश, थोड़े थोड़े कलर्स के शेड्स होते हैं। लेकिन पानी का जो केमिकल एनालिसिस है, वो हाथ पे रखी बूंद के पानी का और यहां से लेकर सागर तक के पानी का, जितने हमने पानी के नाम लिए, बाल्टी, मग्गा या वो, सबके पानी का केमिकल एनालिसिस H2O है। केमिस्ट्री में आप पढ़ के देखिएगा, वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O है। तो पानी कहीं का भी हो सब एक है, नाली का पानी भी और एक बढ़िया नदी गंगा नदी का पानी भी। पानी का केमिकल एनालिसिस तो H2O है। अब एक गंदा है, एक साफ है, एक पीने योग्य है, एक नहीं पीने योग्य है, वो एक अलग बात है। पर तत्व दृष्टि से जल एक है। लोग कहते हैं ना, बुरे आदमी, वो पापी, वो ऐसे खराब आदमी, फिर भी उनके पास पैसा है। हम बड़े अच्छे आदमी हैं, फिर भी हमारे पास उतना पैसा नहीं है जितना होना चाहिए था। अकल आपके ज्यादा है, पैसा दूसरे के ज्यादा है, ये तो कहावत है, क्या कर सकते हैं इसमें। खैर, अगर किसी को प्रिय प्रेम मार्ग प्रिय लगता है, संसार की तरफ जाने वाला मार्ग प्रिय लगता है, तो फिर एक अच्छे इंसान बनो। बचपन से ही बच्चों में अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें डालें। बड़े होकर भी जब तक आप संभाल सकते हैं उनको, उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो, उनके संस्कार अच्छे हों, भले वो उस काम को करें ना करें। जैसे आपने बताया, बेटा जब घर से निकला करो तो भगवान को नमन करके निकला करो। भगवान की कोई भी फोटो कहीं ना कहीं टंगी होती है, घर में, किचन में होती है, कुछ लोगों के छोटा सा मंदिर होता है, कुछ लोगों के घर में बड़ा मंदिर होता है, सब तरह के होते हैं। तो भगवान को नमन करके निकला करो, गीता का एक श्लोक पढ़ के निकला करो। ये एक संस्कार है जो बच्चों में डाले जाते हैं। बच्चे सुनते नहीं है वो अलग बात है, ना सुने आप कहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, राधे 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 करिए, तो उन्हें तो पता नहीं होता क्या बोलना है, वो तो जो आप बोलते हैं रिपीट करते हैं, राधे 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 करते रहते हैं, संस्कार पड़ गया। तो अगर प्रेम मार्ग अच्छा लगता है तो फिर बढ़िया तरह से चलिए प्रेम मार्ग में, एक अच्छा इंसान बनिए। क्योंकि एक बुरा काम करने वाला इंसान, या दुख देने वाला इंसान, या गलत कर्म करने वाला इंसान, या पाप का आचरण करने वाला इंसान कभी ना कभी दुख पाता है, इस जन्म में नहीं तो अगले में, नहीं तो अगले में पाता जरूर है। फिर वो गरीब आदमी होता है। आज देखते हैं एक कॉलोनी होती है, उसमें कुछ लोगों के तो बड़े बढ़िया घर होते हैं, कुछ लोगों के थोड़े ठीक, कुछ लोगों के सादा घर होते हैं। एक बार मुझे एक रिश्तेदार थे, उनके यहाँ दिल्ली में जाना था, तो मेरा भतीजा साथ था, तो वो पहले से कमेंट पास करता है, देखिएगा हमारे रिश्तेदार का घर सबसे मामूली होगा इस पूरी कॉलोनी में। और जब पहुंचे तो वाकई में वही सबसे मामूली घर, सबसे छोटा, सबसे नीचा और सबसे गंदा और सबसे बेकार पुराना बना हुआ। बाकी उस कॉलोनी में बड़े अच्छे अच्छे घर भी थे। अब है ना, तो ये क्या है, ये क्या चीज है? कहीं तो कर्म खराब है ना, या तो सोच खराब है या कर्म खराब है।
कर्म पहले से खराब है, सोच अभी की खराब है, ऐसा देखा जाता है नॉर्मली। वो नहीं मानेंगे उनकी सोच खराब है, लेकिन जब उनके साथ कुछ समय बीता था, कुछ उनके साथ ट्रांजेक्शन हुए थे, बातचीत हुई थी, ट्रांजेक्शन सिर्फ पैसे को ही नहीं कहते, बातचीत को भी कहते हैं, लेन देन को भी कहते हैं, गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता है। मान लीजिए हमने अच्छा गिफ्ट दिया, उन्होंने मामूली गिफ्ट दिया, हमने जो बात कही उन्होंने उसका टॉन्ट हमारे ऊपर छोड़ दिया, कुछ मजाक सा बना दिया, तो उनकी मेंटेलिटी समझ में आ जाती है। मेंटेलिटी बोलो तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, पर यहाँ तो सत्संग है, यहाँ आपको सही बात बताई जाएगी, सच्ची बात समझ नहीं। मेंटेलिटी होती है सोच समझ, माइंड क्या सोचता है, हर समय काटता है बात को, हर समय गलत ही दिखाता है, हर समय बुरा दिखाता है, हर समय दूसरे को नीचा करके दिखाता है, हर समय अपने को श्रेष्ठ बताएगा, अहंकार करेगा। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव होना चाहिए गीता भगवान ने कहा, पर उनको श्रेष्ठता का अभिमान होता है। तो कहीं ना कहीं सोच में खराबी। गरीब आदमी गरीब होता है, वो क्यों गरीब होता है? अरे वो तो बहुत चाहता है पैसे वाला हो जाए, फिर भी गरीब होता है। आप उसकी सोच को देखिए, उसके उससे बात करिए। गवर्नमेंट भी खराब है, दुनिया भी खराब है, लोग भी खराब है, सब खराब है, तो सोच थोड़ा गड़बड़ होती है। प्रेम मार्ग पर चलना है तो अपनी सोच भी अच्छी बनानी पड़ेगी, संस्कार भी अच्छे डालने पड़ेंगे, अच्छा भाव रखना पड़ेगा, सबके प्रति शुद्ध भाव रखना पड़ेगा, अच्छा भाव। सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते सब बढ़िया है। कुछ मत सोचो गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट वो, फलाना ये फलाना वो, अफसर ऐसे होते हैं, ये सरकारी लोग ऐसे होते हैं, ये लोग वैसे, ये गलत वो गलत, वो डिपार्टमेंट खराब। कुछ नहीं, ये हमारा काम नहीं है ये सब सोचने का, ये भगवान का देखने का काम है। हमारा काम तो ये है सबके प्रति नेक नियति का भाव, सब अच्छे हैं, सब अच्छे इंसान है। बच्चों में एक और फिर संस्कार पढ़ना चाहिए, या कहिए आदत पढ़नी चाहिए। कमरे से निकलते हैं तो लाइटें जली हैं, पंखा चला है, एसी चला है, आ रहे हैं अभी आ रहे हैं, आते हैं नहीं, एक एक घंटा जला पड़ा रहता है, खाली वेस्ट जाता रहता है। पानी का नल का खोल देंगे, ब्रश कर रहे हैं, अरे भाई नल क्यों खोल रखा है, ब्रश कर रहे हैं ना, ब्रश कर लो ना, उसको बंद कर दो ना, फिर ब्रश कर लो, फिर खोल कर धो लेना ब्रश, फिर कुल्ला कर लेना। कुल्ला करने के बाद मान लीजिए शेविंग के लिए वो पानी लगाना है, तो ऐसे करके नल चलता रहेगा, भाई बंद कर दो, थोड़ा सा पानी ले लो, लगा लो। पानी की बचत होनी चाहिए, बिजली की बचत होनी चाहिए, और भी जो पैसा भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उलझल उल खर्च नहीं करना चाहिए, बिना बात के खर्च करना, रोज रोज होटल से खाने आ रहे हैं, हफ्ते में दो तीन दिन तो आ ही रहे हैं, तो ये सब गलत है, ऐसे नहीं। देखिए मैं किसी को रोकूंगा, मैं बोलूंगा तो वो एक हफ्ता दो हफ्ता तीन हफ्ता रुक जाएगा, फिर वैसे ही हो जाएगा। ये तो संस्कार होता है हर बच्चे का, शुरू से ही हमें बाहर का नहीं खाना है, हमें घर का भोजन करना है। घर का भोजन अमृत होता है, बाहर का भोजन सब रजोगुणी होता है, तीखा मिर्ची वाला टेस्टी बना देते हैं चीजें डाल डाल के, वो रजोगुणी होता है। तमोगुणी भी होता है कि रखा हुआ बासी तीन दिन का उनके डीप फ्रीजर में पड़ा है, गर्म किया आपको भेज दिया, आपको कुछ खराब नहीं लगेगा क्योंकि डीप फ्रीजर में रखा है, पर है तो तीन दिन का। तीन दिन का भोजन बासी माना जाता है और तामसी माना जाता है, तामसी तमोगुण वाला, उसके गुण ठीक नहीं होते। बुद्धि भोजन से मन बनता है, भोजन कैसा खा रहे हैं उससे मन बनेगा। मैंने देखा एक आदमी को, सत्संग की बातें बड़ी बड़ी करते हैं, सत्संग की बातें पूरी सुना देंगे, बड़े बड़े मैसेज लिख देंगे, मेरे ग्रुप में भी एक आदमी ऐसे हैं, बड़े बड़े मैसेज लिख देंगे, बड़ा ज्ञान जैसे मैंने अभी बोला है सत्संग पूरा, उसको नोट करके पटापट उसका मैसेज बनाकर डाल देंगे, आज आपने ये बताया बताया, पर अगर जीवन में झांको तो जीवन में देखने लायक कुछ नहीं है। जैसे एक आम साधारण व्यक्ति होता है संसारी, बिल्कुल वैसे ही है, कोई अच्छी आदतें नहीं है, कोई एक अच्छा इंसान नहीं है, वह बातें करते, तो बातें करने से भगवान नहीं मिलते। गल्ली जोग ना हो गई कहावत है, बातें करने से भगवान नहीं मिलते, भगवान अंदर की सच्चाई से मिलते हैं। आप भले बड़ी बड़ी बातें करो नहीं, आप ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें मत करो, आप भक्ति की बड़ी बड़ी बातें मत करो, पर अंदर में सच्चे बनो। भोले भाव मिले रघुराई,
भोले भाव वाले को भगवान मिलते हैं। सहज स्याणप लखो तक न चले नाल। गुरु ग्रंथ साहब में कहा तुम कितने भी चतुराई करो तुम्हारे साथ एक नहीं चलेगी बात, क्योंकि हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई। हुक्म में सब होता है, भगवान का हुक्म है उसमें सब होता है। नानक हुक्म जे बुझे तो हो में कहे न कोई। जो हुक्म को मानता है वो हो मैं नहीं करता है। अरे तो कृपा भगवान की है, जगत भिकारी फिरत है सबको दाता राम। गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है, जगत तो भिकारी है और भगवान देने वाले हैं, सबको देने वाले हैं। तो मत अहंकार करो मैंने कमाया मैंने किया। तुम्हारी प्रारब्ध किस्मत में था तो तुम्हें मिला, तुम चाहते तो नहीं चाहते तो तुम काम करते थे, काम करने के बदले में पैसा आता था, तुम्हारे पास पैसा बहुत हो गया, तुमने कंजूसी भी की तो पैसा जोड़ा तुमने। कुछ लोग होते हैं पैसा आता बहुत है खर्च कर देते हैं, तो उनके यहां जमा नहीं होता। तो टाइम को वेस्ट न करें, पहली बात। अपनी वाणी को वेस्ट न करें, आर्ट ऑफ टॉकिंग बताया था, उतना बोलें जितना जरूरी है, बेकार में न बोलें। फिर सब चीज की बचत करें, लाइट्स पानी और भी जो आप समझते हैं बचत करनी चाहिए करिए। पैसा भी फिजूल खर्ची मत करिए, पर सर्व के हित के लिए जरूर लगाइए। अभी कितने सारे हवन चारों तरफ हो रहे हैं, कितने सारे, और उसका प्रभाव देखा गया, इतना तेजी से ग्राफ नीचे आ रहा है। सरकार का भी इसमें योगदान है, लॉकडाउन लगाया हुआ है, लोग मिल नहीं रहे, ज्यादा मिल नहीं रहे तो ट्रांसमिशन कम हो गया, ट्रांसमिशन कम हो गया तो इसका ग्राफ नीचे चला गया। एक ये है। दूसरा है कि भगवान की कृपा है और हम लोगों की तरफ से प्रेम का ये रहा कि हम लोगों ने यज्ञ हवन गायत्री मंत्र के अनुष्ठान कराए जो सर्व के हित के लिए होते हैं। बच्चों को शुरू से आदत डालनी चाहिए सेविंग्स की, बचत करो, जबरदस्ती वाली नहीं, कंजूसी मत सिखाइए कभी भी, कंजूसी नहीं बेटा। जो सहज खर्च है, जो सामने है, जो आपको करना है ठीक है, फिजूल खर्ची नहीं, उसको सेव करो। जैसे कुछ बच्चों ने पीछे के 5 साल से वो सेव कर रहे थे, इस समय उनकी आयु लगभग जैसे 12th में है वो लोग बच्चे, तो एक जगह से पता चला कलकत्ता में है वो, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बना करके उन्होंने टू हेल्प द नीडी, इस समय कोरोना के पीरियड में पीछे के 6 महीने से जो भी उनके संपर्क में आता है, मास्क देना अगर मास्क नहीं पहना है, अगर कुछ जरूरत है तो वो देना, कुछ बस्तियों में उनके उनका रिप्रेजेंटेटिव एक है रख लिया उन्होंने, वो जाता है बस्तियों में घूमता है, कोई ज्यादा गरीब दिखाई देता है तो पूछ लेता है, तो कुछ एक थैला उसके उसमें रहता है, थैलों में एक थैले में पैकेट रहते हैं छोटे छोटे, आधा किलो दाल है, आधा किलो चावल है, कुछ इस तरह का बनाया हुआ उन्होंने, तो वो 2 किलो का थैला है वो पकड़ा देता है, कुछ आधा किलो चीनी है, एक चाय पत्ती का पैकेट है वो पकड़ा देता है और आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह का उन्होंने किया हुआ है, मास्क देने का किया हुआ है और भी कई चीजें हैं बता रहे थे, मुझे याद नहीं है सब, पर एक हेल्प करने की संस्था बनाई है उन्होंने, एक वेबसाइट है उनकी, तो उससे वो लोग काम कर रहे हैं, कंघे साबुन नेपकिन सैनिटाइजर ये भी दे रहे हैं वो जरूरतमंदों को। रास्ते पर जैसे चल रहे हैं तो बच्चे हैं, गुब्बारा बेच रहे हैं, को कुछ बेच रहे हैं, को कुछ दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको सैनिटाइजर पकड़ा दिया कि बेटा आप जब किसी को पैसे दो लो तो अपने हाथों को सैनिटाइज कर लिया करो। तो एक बड़ा अच्छा सा काम है, छोटा सैनिटाइजर अब जितने का भी आता है उन लोगों ने कलेक्ट किए हैं, ये सब काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव था कि 2 रास्ते हैं इस संसार में, एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेम मार्ग है। प्रेम मार्ग बुरा नहीं है कभी भी, अगर उसको हम अच्छी तरह से जिए, अच्छी तरह से चलें, तो प्रेम मार्ग भी भगवान की तरफ ले जाता है वाया संसार। इसको जब हम ब्रह्मचारियों के लिए लेते थे कि जो ब्रह्मचारी आए गुरुजी के पास, उनमें 2 तरह के ब्रह्मचारी निकलते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी और एक उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। उपकुर्वाण है वाया मार्ग, संसार के द्वारा होते हुए बाद में वो साधना पद्धति उनकी चलती रहती है और वो भगवान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान ने गीता में एक वचन दिया है, निष्काम भाव से कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है।
तो अगर हम संसार में हैं और ये निष्काम सेवाएं कर रहे हैं, जैसे आज की क्या मांग है, आज की क्या जरूरत है, टू हेल्प द नीडी। मैं पुअर नहीं कह रहा हूं, गरीब नहीं कह रहा हूं, गरीब तो गरीब आप जिंदगी भर हेल्प करते रहो, गरीब ही रहेगा, क्योंकि उसने सोच रखा है मैं गरीब आदमी हूं। गरीब नहीं, गरीब अलग होता है, नीडी अलग होता है, जिसको जरूरतमंद कहते हैं, हिंदी में अभावग्रस्त लोग कहते हैं, जरूरतमंद अभावग्रस्त लोग, उनको दिया जाए। तो जिसको आवश्यकता होती है किसी चीज की, उसको हमने वो चीज दी तो वो खुश हुआ, किसी के दिल को हमने छुआ ऐसे। तो आवश्यकता वाले लोगों को, जिनको जरूरत है, उन लोगों को देना, ये एक बड़ा काम है और इसको वो लोग करते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है। गरीब और भिखारी, ये तो इनका कोई एंड नहीं है, ये तो लाइन लगा देंगे फिर भी कभी नहीं पेट भरेगा। एक बार हम गांव में जाते थे कपड़ा बांटने के लिए, तो लाइन लगवाते थे इनसे, पर लाइन तोड़कर एकदम से वो आकर हमारे ऊपर झपटते थे बुरी तरह, जैसे हमारे ही कपड़े उतार लेंगे। तब से हमने हाथ जोड़ दिए कि हम तो गरीबों की संख्या बढ़ा रहे हैं, और गरीब नहीं बढ़ा रहे, हम भिखारी बढ़ा रहे हैं। तब से हमने हाथ जोड़ दिया कि ये सब काम हम नहीं करेंगे, हम छुपे रूप से अब वही काम छुपे रूप से करेंगे, किसी के सामने नहीं आएंगे और उसको जरूरत की चीज पहुंचा देंगे। उदाहरण, अभी एक सज्जन ने बताया कि हमने अपने जानने वाले गांव में एक रहते हैं हमारे, उनको फोन किया कि भाई तुम्हारे गांव में जरूरतमंद कितने होंगे लगभग, तो उन्होंने कहा मैं पता करके बताता हूं। तो करीब 2 घंटे में उन्होंने फोन किया कि 15 लोग मेरी नजर में आए, मैंने उनके नाम लिख दिए, व्हाट्सएप कर दिया उन्होंने पर्चा, ये नाम है, ये लोग 15 लोग हैं। तो बोले हमने उसी समय उनको कि 300 रुपये का एक पैकेट बनवा के अपनी वहीं की दुकान से 15 लोगों को 4,500 रुपये हुए, हमने कहा हम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं 4,500 रुपये, और वो उन्होंने दे दिए और उन्होंने वो पैकेट बांट दिए, फोटो खींच के भेज दी कि ऐसे ऐसे। तो बड़ा अच्छा लगा। देखिए, किसी के दिल को छूना है, 1000 तरीके होते हैं। कुछ लोगों के मैसेज है, हमने हवन कराए, हवन कराए तो पंडित जी ने कहा इतना अच्छा लगा कि आपके गुरु जी ने सर्व के हित का कार्य कराया, हम तो बैठे हुए थे खाली, हम तो 1.25 साल से खाली बैठे थे, कभी कोई आ गया, मत्था टेक गया, कुछ दे गया, चढ़ा गया, किसी ने नहीं सोचा कि हवन कराएं, और आप लोग 21 दिन का हवन करा रहे हो, 21 दिन का। कई मैसेज आए इस तरह के, कई सारे जो गूगल मीट सोमवार का ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, इतने सारे वो लोग मैसेज डालते हैं रोज कि हवन का आज 6ठा दिन हुआ, आज 11वां दिन हुआ, अब दोबारा शुरू कर दिया, अब उस कॉलोनी में, उस कॉलोनी दिल्ली में इतने हवन हुए हैं चारों तरफ, और अब पता चला है कुछ कुछ सोसाइटीज में कि वो लोग एक छोटा रिक्शा लेकर के हवन को घुमा रहे हैं पूरी सोसाइटी में, कि भैया जिसको आहुति डालनी है डाल दो, आपके घर में घी और जो आपको चीज डालनी है डाल दो, नहीं हम ही से ले लो और डाल दो। तो ऐसे करके वो कर रहे हैं पूरी कॉलोनी, बोले अब जागे हैं वो लोग। हम लोगों को हो गया 1 महीना इस काम को करते हुए, उन लोगों के कान पर जूम अब रहेंगी है 1 महीने बाद, और अभी उन्होंने 3-4 दिन से ये सब शुरू किया है, और ये भी कुछ कॉलोनीज में, कुछ में अभी भी ध्यान नहीं गया उनका। पर आप लोगों का एक ऐसा काम हुआ जिसने मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस फैला दी कि ये भी हो सकता है। गायत्री मंत्र पर यज्ञ का अनुष्ठान सर्व के हित के लिए होता है, अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह करके रह गए। कुछ लोगों ने ये किया कि सामग्री थोड़ी थोड़ी 1-1 किलो ली और पंडित जी के यहाँ पकड़ा गए कि पंडित जी हवन आप कर रहे हो इसी में ये भी डाल देना। तो खबर आई इधर, पूछ रहे थे कि इसका क्या करें हम सामग्री का, तो मैंने कहा उसी में डलवा दो ना भाई, पंडित जी जो सामग्री डाल रहे हैं आपकी उसी में और मिला दें और डाल दो, खत्म करो उसको, और या फिर उस सामग्री को अगर ज्यादा आ रही है तो बचा लो और आगे और चलने दो हवन, हवन में लकड़ी थोड़ी सी और लगेगी तो उसको चलने दो, कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी दक्षिणा दे देना, आप भी तो कुछ सर्व के हित का काम करो ना। तो जो आप दक्षिणा दे रहे हो वो पंडित जी को पहुंच रही है, ब्राह्मण को पहुंच रही है, ब्राह्मण का परिवार पल रहा है, तो आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। अब दूसरा आता है श्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग वाला जानता है कि हम संसार में आए भगवान के पास से, और एक दिन आने का,
एक दिन रहने का, रहने एक दिन मतलब देखिए जब कोई यात्रा में होता है और किसी घर में रुकता है तो उस घर को क्या कहते हैं? बोलती भाषा में उस घर को धर्मशाला कहते हैं। हम यहां से बद्रीनाथ जा रहे हैं, रास्ते में हमें 2 रात रुकना पड़ा जगह जगह, तो कहां रुकेंगे? तो धर्मशालाएं बनी हुई हैं, उनमें रुक जाते हैं लोग। रास्ते में पड़ने वाले घर जिनमें रात बिताई जाती है उसको धर्मशाला कहते हैं और यात्री सुबह आगे निकल जाता है। हम लोगों की भी जीवन यात्रा है, हम लोग भी कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए, जितने साल भी, भले 100 साल के लिए एक घर में रह रहे हैं और फिर आगे निकल जाना है। तो ये घर गुरु कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं इस बात को, जग है सराय, सराय कहते हैं धर्मशाला को, जग है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल कर यहां कोई दिल न लगाए। इस संसार में दिल मत लगाओ, रहो, सेवा करो, प्रेम से रहो, हंसो बोलो, देखो भालो तको मत, खाओ पियो चखो मत, घूमो फिरो अटको मत। तो ये रीति है संसार में रहने की, कि कहीं दिल मत लगाओ और आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ते जाना है, सबके हित में लगिए, सबकी सेवा करिए, अपना जो काम है उसको भी करिए, 6 घंटा उसको दीजिए, 6 घंटा सर्वहित को दीजिए, क्या कुछ नहीं तो अच्छे विचार। जो हम शुद्ध विचार करते हैं, जो हम बैठकर मेडिटेट करते हैं, ये भी सबके हित के लिए हो जाता है। हमारा तो हित हो ही रहा है, हम जो मेडिटेट कर रहे हैं बैठकर, हमारा तो हित है ही उसमें 100%, पर कुछ परसेंट सर्व का हित भी है, क्योंकि जो सबके विचार हैं उथल पुथल, वो हमारे माइंड से छू करके शांत हो जाते हैं, उनको शांति मिलती है। जब अच्छे ऋषि मुनि, पहुंचे हुए संत साधु जब मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनके उस प्रोसेस से सारी दुनिया को शांति मिलती है। अब देखिए, जो सामान मिलता है हमको, जैसे किराए पर सामान लाए और फिर वापस कर दिया, ये दुनिया में हम आए, हमको सामान मिला और एक दिन ये सब सामान छूट जाएगा। लोग पैसा जमा करके मरते हैं बच्चों के लिए, बच्चे वो कौन से अपने बच्चे, 600 जन्म हो चुके हैं, तो 600 जन्म के बच्चे अब कहाँ हैं, कौन से बच्चे हमारे बच्चे? तो देखो, एक बात सीखनी चाहिए, जो हम कमाते हैं उसका काफी परसेंटेज सबके हित के लिए खर्च होना चाहिए। आप एक अमाउंट बना सकते हैं कि अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं तो इसमें से 75 रुपए घर के लिए हैं, 75 में भी कुछ जमा करना है, कुछ खर्च करना है, 25 रुपए सर्व के हित के लिए हैं। सर्व के हित में मेहमान भी आ गया, आपके घर के बाहर कुत्ता भी आ गया, गाय भी आ गई, सभी कुछ आ गया उसमें, किन्हीं को जरूरत है उनको देने के लिए भी आ गया, सबका हित जिसमें होता हो। सबका हित मतलब इस शरीर के बाहर जो सब हैं उन सबका हित, चाहे वो घर वाले हैं चाहे वो बाहर वाले हैं, सबके लिए करना। कैसे करना, अभी आपको अपने घर से संस्कार मिले होंगे, उसके हिसाब से विचार करिए। अब श्रेय मार्ग का जो लक्ष्य होता है वो होते हैं भगवान। भगवान में मन लगाना है तो संबंध बनाना पड़ेगा, पहले तो अच्छे से मन लगेगा, और संबंध नहीं होगा, मान लीजिए हम भगवान से कुछ मांगते हैं, मांगने के भी 2 तरीके होते हैं, एक तो भिखारी मांगता है घर के बाहर खड़ा होकर आवाज लगाता है, एक हमारा बेटा मांगता है। मांग दोनों रहे हैं, मांग तो दोनों रहे हैं, भिखारी भी मांग रहा है, बेटा भी मांग रहा है, पर कितना फर्क है हमारी सोच में और उनके मांगने में। भिखारी को हम डांट के भगा सकते हैं, रुपया 2 रुपया 5 रुपया दे सकते हैं, और बेटा मांग रहा है बड़ी चीज, उसको बड़ी चीज देंगे। अब हम भगवान के आगे तुम दाता और हम कौन, भिखारी, तुम दाता हम भिखारी, तो भिखारी को कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा? और तुम मेरे पिता, मैं तुम्हारा पुत्र, हे प्रभु। देखिए उदाहरण लेते, इस जन्म की मां, 100 जन्म पहले की माताएं 100, 600 जन्म हो गए तो 600 जन्म की माताएं 600, कौन सी माता हमारी है?
उदाहरण उदाहरण तक ही लीजिएगा, माँ और बच्चे का उदाहरण बहुत लिया जाता है सत्संग में, बिगाड़िएगा मत उसको, ऐसे नहीं, बात को समझना है। 600 जन्म की 600 माएं, कौन सी माँ हमारी, और भगवान एक ही माँ हमारी, एक ही 600 जन्म में एक ही माँ हमारे, तो असली माँ बाप हमारे भगवान है, ये भाव है कहने का। जब उदाहरण लिया जाएगा कि माँ के लिए जो बेटा होगा वो कोई पराया कुछ नहीं होगा, ऐसे पिता के लिए, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए जो हम हैं वो पराये लोग नहीं हो सकते, वैसे हम उनके लाडले बेटा बेटी हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। अब मानते हैं कि नहीं मानते हैं इस बात को, ये देखने वाली बात। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे, तो भगवान से संबंध बना लो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं क्या हूं, भगवान का बेटा हूं, उदाहरण है, आप जो चाहे सो संबंध बना लो। अब शरीर संसार से मिला है, इसको संसार की सेवा में लगा दो। हम भगवान के हैं, शरीर संसार का है। देखिए राजाओं ने कितने किले बनाए, आपके दिल्ली का जो लाल किला है उसके बाहर की दीवार ही दीवार रह गई है, अंदर तो कुछ है नहीं, उसमें सुनते हैं पेड़ ही पेड़ हो रहे हैं ऐसा सुनते हैं जब ये देश के कोई प्रधानमंत्री या कोई भी जाते हैं वहां झंडा वंडा फहराते हैं तो दीवार ही दीवार है बाहर की, वो वही लाल किला है, अंदर में कोई किला विला नहीं है। तो कितने किले बनाए इन्होंने, मौत ने सबको अलग कर दिया, मृत्यु ने सबको अलग कर दिया, सब छोड़कर चले गए, कुछ साथ नहीं गया उनके, कोई किला साथ नहीं गया। कोई बैकुंठ में किला उठा के यहां से ले जाते तो बैकुंठ वाले नीचे फेंक देते, यहां जगह नहीं है तुम्हारा किला रखने की, इतना बड़ा किला काय को उठा लाए वहां से, यहां नहीं जगह है, और किसी को जगह नहीं मिलती वहां, जगह सिर्फ एक बैठने की सीट मिलती है बैकुंठ में, जो स्वर्ग स्वर्गवासी जो लोग होते हैं ना, कहते हैं स्वर्गवासी हो गए, वहां उनको सिर्फ बैठने के लिए एक सीट मिलती है, और भगवान के बच्चे को पूरा ब्रह्मांड मिलता है। तभी कहा ना, अच्छे इंसान बनोगे, नेक इंसान बनोगे, बहुत पुण्य करोगे, बहुत दान पुण्य करोगे तो एक सीट मिल जाएगी वहां पर स्वर्ग में। लेकिन अगर हम भगवान का बच्चा बनेंगे तो फिर तो सारा ब्रह्मांड हमारा है, या कहिए कि हम सारे ब्रह्मांड में लीन हो जाएंगे, परमात्मा में लीन हो जाएंगे, उनसे मिलकर एक हो जाएंगे। तो भगवान से अपनापन करें, कहते रहें हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, आप मेरी असली माँ हैं। देखिए माँ की भी एक बात होती है, आप कैसे कह सकते हैं कि जिस माँ को आप माँ कह रहे हैं वो आपकी माँ है, कैसे पता? हम पूछें आपसे कैसे पता, बोले भाई माँ है हमारी, ये माँ है हमारी, क्यों क्या बात है, कैसे पता क्या होता है माँ है हमारी? नहीं, ऐसे नहीं, आप बताओ समझाओ, ऐसे हमारी माँ, इन्होंने हमें जन्म दिया है, तुमने देखा तुम अस्पताल में थे, लेटे हुए थे, नर्स ने बदल दिए दो बच्चे, तुम्हारी माँ के तुम थे, वो तो हो गई अलग, किसी और का बच्चा उसको मिल गया और तुम किसी और माँ के पास आ गए, अब बताओ क्या बोलते हो, नर्स ने बदल दिया था, अब बताओ क्या बोलते हो, कौन सी माँ तुम्हारी, तुम्हारी असली माँ तो वो है। समझने के लिए दृष्टांत है, पकड़ मत लीजिएगा, हम सभी अपनी माँ के बच्चे हैं और हमारी माँ माँ है। कहने का भाव इसमें ये है, समझाना ये चाह रहे हैं कि मानी हुई माँ होती है, ये मेरी माँ है, ये मान लिया है, लोगों ने कहा, पिता ने कहा, नर्स ने कहा, या जो भी कहा कि ये, या माँ ने कहा मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरी माँ हूं, माँ ने कहा तो हमने मान लिया, हमें तो नहीं पता ये हमारी माँ है। आपको उदाहरण दिया ना मैंने, तो हमें तो नहीं पता ये हमारी असली माँ है, क्या पता, लेकिन वो कह रही है तो हमने मान लिया। अब गुरु कह रहे हैं कि तुम्हारी असली माँ भगवान है, तुम्हारी असली माँ भगवान है, मान लो, है ना। आप कहेंगे मैं कैसे जानूं कि भगवान मेरे मेरी माँ है, तो जान, आप अपनी माँ को नहीं जान पाओगे तो भगवान को कैसे जानोगे आप? भगवान ने सबको जन्म दिया, भगवान सबकी माँ है, कैसे जानोगे आप? जिस माँ ने हमको जन्म दिया हम नहीं जान सकते कैसे वो हमारी माँ है, मानना पड़ेगा, केवल माना हुआ संबंध है, ये हमारी माँ है। शादी होकर लड़की आती है तो कहती है मेरे पति है, माना हुआ ही तो संबंध है,
कल को पति कह दे जा तू मेरी पत्नी नहीं है, तो काय क्या संबंध रह गया? मां नहीं हुआ तो संबंध है? तो ऐसी मां से भी, हालांकि हम उसके पेट से जन्मे हैं, पर हमको नहीं पता ये हमारी असली मां है। ये माना हुआ संबंध भाव क्या है, दृष्टांत को समझिए, गलत मत उठा लीजिएगा। माना हुआ संबंध है कि ये मेरी मां है। तो गुरु कहते हैं ऐसी मान लो कि भगवान तुम्हारी मां है। कैसे वैसे मत पूछना, पहले मैं देखूं, पहले मैं अनुभव करूं, पहले मैं एक्सपीरियंस तो कर लूं, पहले मुझे समझाइए। पर समझाना क्या होता है इसमें, ये तुम्हारी मां है इसमें क्या समझना है तुम्हें? तुम्हारी मां है इसमें तुम्हें क्या समझना है? माना हुआ तो है, बस है मां। बच्चा कितने खून किसे कहता है मुझे नहीं मालूम, कैसे वैसे अब तुम जानो मेरी मां है, ये मेरी मां है, पल्लू पकड़ के उसमें छुप जाता है, मेरी मां है, गोदी पकड़ लेगा एकदम, मेरी मां है। हमारी असली मां भगवान है, मानो या मत मानो। गुरु ने बता दिया, शास्त्रों ने बता दिया कि हम सब के जन्मदाता अमृतस्य पुत्राः, ये उपनिषद का महावाक्य है। वो कहता है कि तुम अमृत के पुत्र हो, अर्थात तुम भगवान के पुत्र हो। उपनिषद ने कह दिया, उपनिषद तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उनके ऊपर कुछ नहीं होता। ये सारे ग्रंथ नीचे के हैं, उपनिषद टॉप मोस्ट ग्रंथ होते। वेदों में 400,000 श्लोक हैं, उसमें से 4,000 श्लोक का उपनिषद बने हुए हैं। उपनिषद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम कृति है, बाकी सारे जो मंत्र हैं, श्लोक हैं, जो भी हैं वेदों में, चार वेद हैं उनमें जो भी हैं, वो सब कर्मकांड के ऊपर बेस्ड हैं। ये करो, ऐसे करो, ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ऐसे घर बनाओ, वास्तु शास्त्र ये होता है उसके हिसाब से, ये अथर्ववेद कहता है पैसा कैसे कमाओ, अर्थ पैसा कैसे कमाओ, ऐसे करो वैसे करो, ये मत करो वो मत करो, तरह तरह की बातें वेदों में। फिर तरह तरह के हवन बताए हैं वेदों में, तुम्हें कुछ प्राप्त करना है, तुम्हारी पुत्र नहीं है तो उसके लिए अनुष्ठान करो, बड़ा लंबा चौड़ा अनुष्ठान होता है और बहुत दान पुण्य होता है, और एक त्रुटि हो जाए तो कुछ नहीं होगा, सब बेकार चला गया। ऐसे तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, वो हमको हर चीज बताते हैं, समझाते हैं, सब तरह से गुरु हमको समझ दे रहे हैं, राइट समझ दे रहे हैं। चलिए हम लोग गहरी सांस ले लेते हैं, 4 बार सत्संग पूरा करते हैं। गहरी सांस भरिएगा, उसका तरीका आज थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले अपने पेट को भरिएगा, एब्डोमेन को फुलाइएगा, पहले शुरू में जितना आप आराम से कर सकते हैं। पहले पेट फुलाएंगे, फिर छाती फुलाएंगे, और फिर कॉलर बोन तक भर लेंगे, ऊपर उठा देते हैं ना, ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे भर जाती है सांस। तो 3 स्टेप्स होते हैं सांस लेने के। आपने अभी तक सांस लिया, गहरी सांस ली, अब सांस के भी स्टेप सीखिए। पहला स्टेप है पेट फुलाओ, छाती फुलाओ, कॉलर बोन तक भरो, थोड़ा सा रुककर छोड़िए। लास्ट तक छोड़ते में एब्डोमेन आपका अंदर जाना चाहिए, पेट आपका अंदर जाना चाहिए थोड़ा। शुरू में सब आराम आराम से करेंगे, ज्यादा जोर से करेंगे आप थक जाएंगे या आपको तकलीफ होगी, बड़े आराम से सीखिए। चलिए पेट फुलाइए, छाती, कॉलर बोन तक। आप कहेंगे आई नहीं रही, जरा सी सांस आ रही है, कोई नहीं करिए, 3 स्टेप्स करिए, छोटे छोटे करिए, निकाल दीजिए। कोई आगे कोई पीछे कर रहे होंगे, अब 2 बार अपने आप करिए। सांस निकालते में लास्ट में थोड़ा सा पेट अंदर कर लीजिएगा, आप फिर पेट फुलाइए, गुरु भगवान के शुक्राने हैं, राधे राधे भगवान जी।